करें जी करें। प्लीज कंटिन्यू कंटिन्यू अच्छा करें। देखें, जो खातून ने मैसेज भेजा था उन्होंने ये कहा, उनकी दलील ये थी, क्योंकि अल्लाह ताला को मर्दों की नियत का पता था इसलिए औरतों को पर्दे का कहा गया ताकि वो प्रोटेक्शन फील करें। ओके, नाउ दिस इज द क्वेश्चन। और ये अक्सर खवातीन, मुसलमान औरतें इस्लाम को इसलिए भी लाइक करती हैं बेचारी, कि वो कहती हैं हमें पर्दा हमारे फायदे के लिए। इसको डिबंक करते हैं कुछ पॉइंट्स के साथ। पहली बात ये कि ये जो सूरे नूर की आयत नंबर 31 इस बात को एड्रेस करती है। पहले मैं तर्जुमा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने पर्दे का क्या बोला है। तर्जुमा, और मुसलमान औरतों को हुक्म दो कि वो अपनी निगाहें कुछ नीची रखें और अपनी पारसाई की हिफाजत करें और अपना बनाव ना दिखाएं मगर जितना खुद ही जाहिर है, और वो दुपट्टे अपने गरेबानों पर डाले रहें। अभी मुझे एक बात समझ नहीं आती, जिसने चांद सूरज करोड़ों गैलेक्सीज बनाई है उसको दुपट्टे की क्या फिक्र है, मेरी समझ नहीं आती। आई डोंट नो, खैर, बट अल्लाह क्लीविज को देख के हॉर्नी हो जाता है ना, इसलिए दुपट्टा को देखा। राइट, तो सर आगे देखते हैं। बट जितना खुद ही जाहिर, और दुपट्टे अपने गरेबानों पर डाले रहें और बनाओ सिगार ना करें मगर अपने शोहरों पर या अपने बाप या शोहरों के बाप या अपने बेटे या शोहरों के बेटे या अपने भाई या भतीजे या अपने दीन की औरतें या अपने कनीजें जो अपने हाथ के मिल्क हों या नौकर, बशर्त कि शहवत वाले मर्द ना हो। अच्छा, यहाँ पे नौकर के सामने अल्लाह ताला कह रहे हैं कि पर्दा करने की जरूरत नहीं है। तो औरतों का पहली बात तो ये कि अपने और मर्दों के सामने पर्दा ना किया करो। अब यहाँ अल्लाह फरमाते हैं उनके शहवत ना हो, क्या हम सबका चेक करेंगे उठा उठा के कि इसमें शहवत है कि नहीं है इसका? अब मैं क्या बोलूं, एडल्ट वाला हो जाएगा। एक तो ये आयत दिखानी थी, दूसरा इसका जवाब ये है कि अगर हम ये देखें ना, कि ये देखें आप, ये अब यहाँ पे आपके सामने खुली तस्वीर तो मुझे बताएगा। यहाँ पे जी एक भाई पर्दे वाली औरत है, अभी आ रही है सामने, देखिए नजर आ पर्दे रही है। वाली औरत है, उसके जिस्म को चारों ये देख रहे हैं, हालांकि बेचारी ने पूरा पर्दा किया हुआ है। ऊपर वाली तस्वीर में चारों लड़कियां चड्डियों में बैठी हुई हैं, बंदा अपना फोन देख रहा है। तो ये किस, इसका मतलब पर्दा प्रोटेक्शन की गारंटी नहीं है। ये तो इंसान की फ्रस्ट्रेशन होती है जो पर्दे वाली औरतों का भी रेप कर देता है। तो पर्दा इज नॉट द साइन ऑफ प्रोटेक्शन। आगे इसको तीन चार पॉइंट जो है मैंने नोट किए थे, मैं बता देता हूँ जल्दी जल्दी, 1 मिनट जी लगेगा। प्लीज टेक योर टाइम। जी देखें, दो बातें मैंने आयत बता दी। गुलाम के सामने तो अल्लाह कह रहे हैं पर्दा मत करो, तो भाई मत क्या करो पर्दा गुलाम के सामने, पहली बात। दूसरी बात कि औरत की प्रोटेक्शन का ताल्लुक कानून से होगा, जहां कानून सही होगा वहां औरत को कोई हाथ नहीं लगा सकता, या वरना यही पाकिस्तान की औरतें अमेरिका में तो बिकनी में घूम रही होती हैं, उनको कोई टच क्यों नहीं करता, तो कानून है। तीसरा बात कि क्या इससे बेहतर अल्लाह ऑप्शन नहीं दे सकता था कि और मर्दों की जो ख्वारी है वो बीवियों पर ही पूरी हो जाती, उनको सिर्फ थोड़ा, या ख्वारी चढ़ती सिर्फ बीवियों को देख के, ऐसा भी अल्लाह कर सकता था। तो यहाँ पे भी ऑप्शन अल्लाह ने बेहतर नहीं किया। अच्छा, पर्दा चांस होता है, चॉइस नहीं होता। अगर यहाँ की गोरी कोई पैदा हो गई हॉलैंड में, आप उसको कहो पर्दा करो, आपको पागल समझेगी। इसका मतलब आपकी बर्थ का ताल्लुक है पर्दे से। अच्छा, और आगे एक और बात, ब्रेन जो है ना आपका ट्रेंड हो जाता है। यहाँ गोरों के सामने नंगी औरतें आती वो नहीं देखते, क्योंकि उनको अब आदत नहीं होती नंगी औरतों को कुत्तों की तरह देखने की, वो आदी हो जाते हैं। तो पर्दा यहाँ पे फेल हो जाता है। फिर मंटू का बड़ा खूबसूरत जुमला है, मंटू कहता है कि सिगरेट पीने से मर्दों के गुर्दे खराब होते हैं और औरतों का किरदार खराब होता है। और उनका किरदार खराब होता है, ये मुझे हमारा याद है। मानना है कि औरत अगर सिगरेट पिएगी तो हम कहेंगे उसका किरदार खराब है। तो अगेन, औरतों को आपने पर्दा करके उसको वो कर दिया है क्या, पेट्रियार्कल सोसाइटी में बना दिया। आखिरी बात भाई, ये जो चेहरा दिखाना ना औरत का या पर्दा ना करना, एक कम्युनिकेशन, वे ऑफ कम्युनिकेशन है। अगर आप पर्दे में होंगी तो मैं से कैसे पता कि मेरी इंप्लॉई मुझसे नाराज है या नाराज नहीं है? तो ये मेरे कुछ पॉइंट्स है। अब सर आप कुछ कह सकते हैं। जी सर, मेरे पॉइंट्स खत्म हो गए यहाँ पर। सॉरी मैं म्यूट पे था, मुझे पता नहीं लगा कि मैंने अनम्यूट नहीं किया हुआ, मैं जी बात कर रहा था। सर बात यह है कि पर्दा हो या कोई भी चीज हो, आप मैं गलत हो सकता हूँ लेकिन मैंने जितना रिलीजन्स को स्टडी किया है ना, मेरी थोड़ी सी, मैं हिंदुइज्म को थोड़ा सा मार्जिन इसलिए दे जाता हूँ, एक तो मैंने हिंदुइज्म को इतना क्लोजली स्टडी नहीं किया। हिंदुइज्म के अंदर एक चीज है कि मैं अपने आप को एज ए फेमिनिस्ट जो है वो क्या कहता हूँ, आइडेंटिफाई कर रहा हूँ, उनके अंदर एक कॉन्सेप्ट है शिव शक्ति का। बेसिकली फेमिनिज्म क्या है,
इक्वलिटी है। अब लोग ये समझते हैं कि इक्वल राइट्स, इक्वल राइट्स इज नॉट जस्ट ऑन द बेस ऑफ सक्सेस बट इट इज ऑल्सो बेस्ड ऑन द रेसिस एज वेल। ठीक है, अब उसमें एक शिव शक्ति का कॉन्सेप्ट है कि शिव इज नथिंग विदाउट शक्ति एंड शक्ति इज विदाउट नथिंग विदाउट शिव, कि मर्द औरत के बगैर कुछ नहीं है, औरत मर्द के बगैर कुछ नहीं है, दे बोथ नीड टू गो हैंड टू हैंड टू कंट्रीब्यूट इन द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। उसके अलावा जितने भी ये रिलीजन देख लें, जिनमें आप अब्रामिक रिलीजन्स देख लें और देख लें, इन सब चीजों ने जो सबसे बड़ा नुकसान किया है ना सर जी, वो ये नुकसान किया है कि औरत को, वुमेन को, फीमेल को उस खड्डे में जाके गिराया है सालों से, हजारों सालों से, कि उस खड्डे से निकलने के लिए भी उस बेचारी औरत को, फीमेल को सालों और दरकार होंगे, हजारों नहीं तो सैकड़ों सालों और। सॉरी फॉर कटिंग, मैं 5 मिनट का वक्फा ले रहा हूँ, मैं 5 मिनट में आता हूँ, ठीक है, आप लोग कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, ये गालिब साहब, हाँ जी, हाँ ये बाजवा जी को लिंक सेंड कर दें अगर इन्होंने उनको किया हुआ लिंक सेंड। हाँ अच्छा, तो सर मैंने जो मैं ये बात कर रहा था कि थोड़ा बहुत जो मुझे, मैं मार्जिन देता हूँ ना हिंदुइज्म के अलावा, आपने सर जी नॉर्स मिथोलॉजी को पला? यार नॉर्स मिथोलॉजी का इतना ही पता है मुझे, जितना फिल्म्स में नजर आती है, मुझे कोई खास नहीं पता कोई। मैंने जो फिल्म्स के अलावा भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है ना, मुझे लगता है कि उन्होंने इक्वली, जिसको इक्वालिटी कहते हैं ना, उन्होंने इक्वालिटी के ऊपर जो है ना वो औरत को ट्रीट किया है, लेकिन इट इज वेरी अनफॉर्चुनेट कि नॉर्स जो है वो ज्यादा देर टिक नहीं पाए। उनकी आज देखें कि आज हमारे पास जो चीजें हम 100, 1000, 1200 साल बाद जो चीजें हम डिमांड कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, नॉर्स लोगों ने वो प्रोवाइड की हुई थी अपनी औरतों को। वो हर वो काम करती थी जो मर्द करते थे, उसमें हुकूमत हो, उसमें खेती बाड़ी हो, उसमें अटैक करना हो, उसमें डिफेंड करना हो, उसमें गवर्नेंस हो, उसमें हाउस होल्ड हो, हर चीज जो है वो मेरी जो स्टडी है, मेरी आई कैन बी रॉन्ग अबाउट इट, बट नॉर्स के अलावा जो है मुझे कोई भी ऐसा रिलीजन नहीं नजर आता जिसने कहीं पे भी वुमेन को, फीमेल को डिप्राइव ना किया हो। अब वो तो बात है, मगर नॉर्थ वाला भी, ये जाहिर बात है कि उधर औरतें लड़ती भी थी, उनका उनकी ऐसी सोसाइटी थी कि वहाँ पे अगर वो औरत को नीचे कर देते तो वो सरवाइव भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतने ठंडे इलाके हैं वो, इतनी मुश्किल ज़िंदगी है वहाँ पे, उन्हें रिलाय करना पड़ता था औरतों पे भी, औरत को वो गुलाम बना के नहीं रख सकते थे। ठीक है, तो ये एक चीज़ जो है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जिस वजह से उधर हमें नज़र आता है ये। मगर मैं समझता हूँ कि जिस सोसाइटी में, जिन जिन सोसाइटीज़ में मार लूट मार इशू होता है ना तरीका दुनिया का, वहाँ पे औरत की औकात कम होती है। ठीक है, हमारी अपनी एग्रेरियन सोसाइटीज़ जो हैं इंडिया पाकिस्तान की, वहाँ पे भी औरत की वो वैल्यू नहीं है, मगर निस्बतन फिर भी अरबों से बेहतर है। ठीक है, तो जो इशू है वो यही है कि जी यहाँ पे बड़े मुश्किल हालात हैं और नॉर्थ वालों के चक्कर में वहाँ पे, इसलिए औरत बेहतर है। अगर इस्लाम को देखा जाए तो मैं ये समझता नहीं हूँ कि इस्लाम भी हिजाज की पैदावार है, इस्लाम की सिचुएशन भी कुछ थोड़ी सी डिफरेंट है, इस्लाम वहाँ पैदा नहीं हुआ, और इस्लाम से पहले औरतें बड़ी सक्सेसफुल थी उधर और इतने बुरे हालात नहीं थे, देखते हैं। उसमें तो हमारे पास बहुत सारे एग्जाम्पल है ना, खदीजा है, अस्मा बिनत मरवान है, और काफी काफी सारी औरतें। कुरान और इस्लाम को एक्सपोज करने के काम को जारी रखने के लिए मुझे आपकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है, और ये सपोर्ट आप मुझे पेट्रियन के ज़रिए और पेपाल के ज़रिए कर सकते हैं। पेट्रियन और पेपाल के लिंक्स आपको पिन कमेंट में मिल जाएंगे।